हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं ब्लाउज में पाइपिंग कैसे लगाते हैं और पाइपिंग का सही तरीका क्या है बताने जा रही हूं। ऊपर से 5.5 है बैक गले का नाप और साइड पीछे का नाप है 8.5। अस्तर के कपड़े में और ब्लाउज के कपड़े में सबसे पहले हम प्रेस कर लिए थे, फिर इसके बाद में हम अस्तर के कपड़े की कटिंग किए थे। प्रेस इसलिए करते हैं कि जब हम कपड़े काटें तो अच्छी फिनिशिंग से कपड़े की कटिंग हो जाए। सिलाई करते समय हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से हाथ से दबाते हुए सिलाई करना है ताकि इसकी सिलाई आगे पीछे न खिसके और गले का शेप न बिगड़े। अब हम कैंची से पीछे बैक गले के ब्लाउज के कपड़े को काट कर निकाल देंगे और इसके बाद में हम फिर इसकी फिर से सिलाई करेंगे। अस्तर के कपड़े में सिलाई करना है, सबसे पहले कपड़े को मोड़ना है पलटा करके, और ब्लाउज का जो अस्तर होता है उसको हम अच्छी तरह से फिनिशिंग से दबाते हुए उसमें पूरे बैक गले की सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से हमारी सिलाई पूरी लगकर तैयार हो गई है। अब हम फिर से कपड़े को निकालेंगे, बैक गले के कपड़े को, और अब हम अस्तर के कपड़े को अंदर दबाते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे ब्लाउज के कपड़े में। ऊपर से अब हम ब्लाउज के कपड़े में पूरे गले में अच्छी तरह से फिनिशिंग से दबाते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाने का तरीका बताते हैं। पाइपिंग कभी हम मार्केट से भी खरीद कर ले आते हैं और किसी किसी कपड़े में क्या होता है कि पाइपिंग इसमें दी हुई होती है, तो इस ब्लाउज में हमको पाइपिंग दी हुई थी। तो पाइपिंग लगाने का तरीका होता है इस प्रकार से, पाइपिंग बस दिखनी चाहिए और कपड़े को अंदर दबाते हुए इसमें हमको सिलाई लगाना है। सिलाई इस प्रकार से लगाना है, कपड़े के ऊपर और पाइपिंग को नीचे दबाते हुए अच्छी फिनिशिंग से पकड़ के कपड़े को हल्का दबाना है और पाइपिंग को थोड़ा थोड़ा खींच के लगाना है, तभी ये पाइपिंग की सेटिंग अच्छे से जमती है। अब हमारे ब्लाउज में पूरी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। धन्यवाद।